जय बद्री विशाल, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल A1 सिमवाल में। और इस समय आप देख रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं सीधे बद्रीनाथ से। इस समय हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम का पूरा आपको दर्शन करवाएंगे। और बद्रीनाथ जी सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो जिनको भी भगवान नारायण की कृपा जिनके ऊपर होती है तो कहते हैं कि बद्री विशाल उन्हें अपार सुख संपदा की प्राप्ति करवाते हैं, अपार धन संपदा देते हैं। तो ऐसे ही देवताओं में से एक देवता हैं श्री बद्री नारायण। बद्री नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए बद्रीनाथ धाम में जो कोई भी आता है तुलसी की माला भगवान नारायण को अर्पण की जाती है और यहाँ पर प्रसाद स्वरूप चने के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो भगवान बद्री नारायण सभी की मनों को कामना को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। तो आप लोग भी बाबा केदार के साथ साथ बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बद्री विशाल भगवान हर किसी की मनोकामना परिपूर्ण करने वाले हैं। ये धन संपदा के अपार भंडार भक्तों के बरते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान के बारंबार दर्शन करने का मन करता है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल ही एक ऐसे देव हैं कि जो सभी भक्तों को जितना अन्न धन संपदा देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान बद्री नारायण अक्षय पात्र हैं। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इन धामों के कपाट खुलते हैं और ऐसे बद्री विशाल भगवान इन चारों तरफ से इन बद्री वनों से बीच में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान बद्री विशाल की चरण में बारंबार जय श्री बद्री नारायण। तो आप भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन करें और अपनी मनोकामना के लिए भगवान बद्री विशाल का ध्यान करें, पूजन करें, पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने प्रणत कृष्णासाय, गोविंदाय नमो नमो। अनेकों भगवान बद्री नारायण के मंत्र तंत्र हैं, इन सभी मंत्रों का सभी को जाप करना चाहिए। भगवान बद्री विशाल का पूजा पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जो भी अपने घर में बद्री नारायण के निमित्त करता है, भगवान उन सभी भक्तों की मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण करते हैं। जो भी कार्य अटका हुआ रहता है, अगर किसी के घर में धन की कमी है तो भगवान बद्री नारायण इतने अपार कृपालु हैं कि वह भक्तों के भंडार को भरने में क्षण भर भी नहीं लगाते हैं। भगवान बद्री नारायण की ऐसी कृपा है। तो आप लोग भी बद्री नारायण धाम में आएं और उसके बाद अपने घर में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें और बद्री नारायण भगवान सभी की झोली को भरने वाले हैं। ऐसी बद्री विशाल को बारंबार प्रणाम है। जय बद्री विशाल।